बाबा फुलसंदी वाले महाराज की कथा का आयोजन लाइन पार स्थित दानशाह की मिला खुशालपुर में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने पहुंचकर बाबा फुलसंदी महाराज के प्रवचन सुने। अपने उपदेशों में आज बाबा फुलसंदी महाराज ने कहा कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपना काम पूरी लगन मेहनत के साथ करना चाहिए। मनुष्य को अपने कार्य में किसी तरह की कोई लापरवाही के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर रहा है या नहीं। अपना काम सच्ची श्रद्धा से करने के बाद ही उसे अपने धर्म और ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर उन्हीं के साथ होता है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करता है, वो भी इस बात के साथ किसी को उसके कार्य से किसी प्रकार का कोई नुकसान या हानि तो नहीं हो रही। बाबा फुलसंदी महाराज ने अपनी कथा की शुरुआत एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा के साथ करते हुए कहा कि अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ न करने वाला ही भ्रष्टाचारी बन जाता है, फिर उसे ना तो कोई ज्ञान मिल पाता है और ना ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है। ये मनुष्य अकेला ही दुनिया में भटकता रहता है, साथ ही बुरी संगत और अन्य आपराधिक घटनाओं में वे सम्मिलित होता जाता है। उसे इस बात की भनक तक नहीं हो पाती कि जो कार्य वो कर रहा है उसमें दुनिया का सुख तो प्राप्त हो रहा है लेकिन ईश्वर से वे बहुत दूर होता जा रहा है। इस कथा प्रवचन के दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और बाबा को नमन करते हुए पुष्पों की बरसात की। बाबा फुलसंदी महाराज पर फूलों की बरसात करते हुए अपनी सच्ची श्रद्धा को बाबा के सामने प्रकट किया। इस कथा प्रवचन कार्यक्रम में आज पहले ही दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कल और परसों दो दिन और बाबा फुलसंदी वाले महाराज द्वारा कथा प्रवचन किया जाएगा। बाबा जी बाबा फुलसंदी वालों का 3 दिवसीय दिव्य सत्संग है, 19, 20, 21 3 दिवसीय सत्संग चल रहा है। स्थान इसका है रॉयल किला वेंकट हॉल शाहपुर तिहाई रोड मुरादाबाद। कौन कौन लोग आए हुए हैं? उसमें बरेली मुरादाबाद और आपके रामपुर संभल लखनऊ से अनुयायी आए हुए हैं। कितने दिन चलेगा ये? 3 दिन चलेगा।